कितनी लंबी लाइन लग रही है। जी बताया सर, इतना कारण कैसे रहा, मतलब लाइन लग रही है बाहर? भाई यहाँ क्या है, पहले तीन बूथ हुआ करते थे, अब दो बूथ हैं, एक बूथ को मर्ज कर दिया गया है, काट दो उसको, इसलिए। और एक बूथ में 1441 मतदाता है, दूसरे में 1420 मतदाता, तो यहाँ एक बूथ और होना चाहिए तब जाके ये। और इस बार वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है, उस वजह से भी जो है लाइनें ज़्यादा लगी। और महिलाएं क्या है, दोपहर बाद घर से निकलती हैं वोट कास्ट करने के लिए, इसलिए महिलाओं की भी दोपहर बाद एकदम से जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है महिलाओं का। अभी बार कितने लोगों को टोकन बांटे गए हैं जिनको आप? ये पीआरओ ने दिए हैं टोकन, पीआरओ ने कितने टोकन दिए हैं? 286 है, 286। हाँ पीआरओ से पूछे, ये पीआरओ ने बांटे हैं मतदान के लिए। उनके लिए क्या व्यवस्था की गई? भाई 5 बजे हमने अनाउंसमेंट किया, जो अंतिम मतदाता था लाइन में लगा हुआ, वहाँ 2 बार अनाउंसमेंट किया भाई कोई 5 बजने वाले हैं, कोई हो तो आ जाए वो मतदान करने के। उसके बाद उनको लास्ट जो व्यक्ति था वहाँ से हमने पर्चियाँ बांटना शुरू किया, और जितने भी लाइन में लगे हुए हैं उन सब का मतदान हम करवाएंगे, उसके बाद ही मतदान बंद होगा। वो सब मतदान देने के लिए अधिकारी हैं। कितने बजे आ जाएंगे? रोल हम खड़े हैं अभी कोटा उत्तर विधानसभा के इस्माइल चौक में। यहाँ बूथ के बाहर मतदान के समय के बाद भी करीब 300 लोगों की भीड़ जमा है। आप देख सकते हैं किस तरह से लाइनें कतारें लगी हुई है, और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद होकर यहाँ मतदान की प्रक्रिया कराने में व्यस्त है। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि ये देरी क्यों हो गई। अब यह बताएं किस तरह से देर हो रही है यहाँ पर? हम करीब 3 बजे से खड़े हुए हैं, यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, लाइन में छोड़ खड़े हैं अपनी बारी का इंतजार कर। 3 बजे से? 3 बजे से खड़े हैं। क्या कारण मानते हैं आप इस देरी का? महिला व्यवहार जुड़ी हुई है, कुछ महिला भाई ये कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं जी। कितने बजे से खड़े हैं आप लोग? जी हम 3 बजे से खड़े हैं। क्या लापरवाही है, 2-3 दिन घंटे हुए लाइन में। क्या कारण मानते हैं आप इस? क्या कारण है, इस बात इतनी स्लो क्यों चल रही है मशीन? पीछे आज कितनी बजे? 3 बजे से लोगों का कहना है कि अंदर बहुत ही धीमी गति से मतदान चल रहा है, इसके कारण यहाँ देरी हो रही है। और लोग 3 बजे से आए हुए हैं, करीब 2-3 घंटे से यहाँ खड़े हुए हैं, काफ़ी परेशानी हो रही है महिलाओं को और पुरुषों को भी, क्योंकि वो अपने छोटे बच्चों को भी छोड़ के आए हैं। मैं संजय सैनी, ये टीवी भारत।